नमस्कार ड्रीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश मेवाड़ा। आप अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में सेमेस्टर वन में हो तो आपके सामने एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन ये है कि आपकी एग्जाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी या दोनों प्लेटफॉर्म पे होगी। ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी या दोनों प्लेटफॉर्म पे होगी। तो पहले मैं ये बता दूं कि आपकी एग्जाम की अप्रॉक्स डेट फेब्रुआरी 2021 है। आई थिंक फेब्रुआरी के एंड में वो एग्जाम होगी। गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से अभी तक कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई है बट अप्रॉक्स फेब्रुआरी एंड या मार्च ओपनिंग में हो सकती है 2021 में आपकी एग्जाम। अभी जो एग्जाम गुजरात यूनिवर्सिटी की चल रही है वो एग्जाम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। स्टूडेंट चाहे तो ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है और चाहे तो ऑफलाइन। बट आपके लिए मतलब अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में सेमेस्टर वन के लिए अभी तक ऑनलाइन एग्जाम के बारे में गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है। मतलब अगर कोरोना के केसेस कम हो गए या कम हो जाएंगे तो आपकी एग्जाम ओनली ऑफलाइन ही होगी क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसके हिसाब से गुजरात यूनिवर्सिटी ऐसा चाहेगी कि आप ऑफलाइन एग्जाम दो। तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जाम के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। ऑफलाइन तो होगी ही होगी बट ऑनलाइन के बारे में अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। जैसे भी कोई भी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, कोई भी सर्कुलर आ जाएगा, सबसे पहले हम ये चैनल पर रखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको सारी डिटेल सबसे पहले मिले। तो ये तो वो ऑफलाइन एग्जाम में पेपर स्टाइल क्या होगी, तो ये भी पेपर स्टाइल भी गुजरात यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया कि आपको जो पेपर अटेंड करना है वो 70 मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स में हो से या 50 मार्क्स में हो से। अगर 70 मार्क्स का होगा तो 2.5 आवर की एग्जाम होगी, अगर 50 मार्क्स का होगा तो 2 आवर्स की एग्जाम होगी। और जो 50 मार्क्स का पेपर है वो आपका वो जनरल ऑप्शन का पेपर है। अभी जो एग्जाम सारी चल रही उसमें जनरल ऑप्शन के पेपर स्टाइल से ही एग्जाम ले रहे हैं गुजरात यूनिवर्सिटी। तो प्रोबेबिलिटी यही है, ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि आपकी एग्जाम भी जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल वाली ही होगी। अब जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल क्या है और उसमें आपके लिए क्या बेनिफिट्स है और क्या लॉस है, बेनिफिट भी है लॉस भी है क्योंकि आप दो चैप्टर करोगे, आपके पास 4 यूनिट है उसमें से कोई भी 2 यूनिट करोगे तो आप पेपर पूरा अटेंड कर सकते हो। बट कुछ लॉसेस है, क्या है उसके बारे में मैं बहुत ही जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ और ये चैनल पर रखने वाला हूँ। तो मैं फिर से बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और स्पेसिफिकली बीकॉम सेमिस्टर वन में तो सारे सब्जेक्ट की पेपर स्टाइल में अलग से रखूंगा, कौन से चैप्टर आपको करनी चाहिए, कौन से चैप्टर नहीं करने चाहिए, क्या आप ऑप्शन में ले सकते हो और कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो, ये सारे वीडियो मैं बीकॉम सेमिस्टर वन के ये चैनल पर रखने वाला हूँ। तो अगर आप बीकॉम सेमिस्टर वन में हो तो आपको तो अभी के अभी ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। ओके, तो जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल क्या होगी वो मैंने आपको बता दिया कि क्या होनी चाहिए और वो पेपर स्टाइल का वीडियो भी मैं बहुत ही जल्द ये चैनल पर। अब गुजरात यूनिवर्सिटी जैसे ही एग्जाम डेट डिक्लेयर करेगी मैं ये चैनल पर रख दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।